According to Karl Marx, although the very important social order was given by Karl Marx, but parallel he has also given the concept of social order. And social order are comprised of religious, economic, and kinship systems, while his political order are mainly comprised of states and their institutions. So, Karl Marx view of political order consists of political rulers state machinery ancillary organizations such as political parties and political system also so according to karl marx political rulers are actually very much important part of his political order because political rulers play an important role इन द पोलिटिकल ऑर्डर बिकॉज दे आर एग्जाम बाय द वे इन विच दे गवर्न द इंटरस्ट इधर ऑफ अर स्पेशल सोशल क्लास और समटाइम्स ऑफ देयर ओन पर्सनल इंटरस्ट कार्ल मार्क्स का जो पोलिटिकल ऑर्डर है इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट कौन है ख़ुद उसके जो पोलिटिकल रूलर्स हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्योंकि काल मार्क्स का जो स्टैंडर्ड है वो किस बेस पर डिटर्मेंड है कि जो पॉलिटिकल रूलर्स हैं उनको अगर इवेलुएट करना है कि वो अच्छे रूलर्स हैं या उनका वो कहाँ पर फॉल करते हैं तो क्या किस तरीके से उनको इवेलुएट किया जाएगा वो ये है कि हाउ दे गवर्न और गवर्न करने के लिए क्या है कि क्या वो किसी ख़ास स्पेसिफिक सोशल क्लास के इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं या वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं तो पॉलिटिकल रूलर्स के लिए जो कार्ल मार्क्स का क्राइटेरिया है इससे हम यही वैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल रूलर्स किसी खास सोशल क्लास के इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो वही क्लास होगी जो ख़ुद रूलर्स के लिए बेनिफिशियल होगी और अगर रूलर की प्रायोरिटी ये है कि खुद उसके पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो डिफेंड होते चले जाएं तो तब भी उसको हेल्प की नीड होगी उन लोगों की हेल्प की नीड जो सोसाइटी में इन्फ्लुएंशियल हैं फिर जो स्टेट मशीनरी के बारे में इन हिज पॉलिटिकल ऑर्डर ही डिस्कस दैट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी स्पेशली इस कंप्राइज ऑफ स्टैंडिंग आर्मी जुडिशरी ब्योक्रेसी कैलर्जी एंड पोलिस डेफिनेटली ये सारे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं किसी भी स्टेट मशीनरी के जिनकी बेस पर सिस्टम चलता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना और को कामयाबी से स्मूदली आगे लेके बढ़ना सो देर आर स्ट्रॉग कनेक्शंस अमंग दीज ऑर्गन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड स्टेट मशीनरीज एंड बेसिकली ही वॉन्ट्स टू हाईलाइट दैट दिस इज़ द कैपिटल क्लास हैविंग मनोपली ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके पास मिनोपली है वो इन स्टेट मशीनरी को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफ्लुएंस कर सकते हैं फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट इज द इंसेलरी ऑर्गेनाइजेश आर कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ग्रोप्स प्रेसर ग्रोप्स एंड पोलिटिकल पार्टीज सो दीज़ ऑर्गेनाइजेशल्सो अमंग मेजर फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन पोलिटिकल ऑर्डर स्पेशली इन द डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ बिकॉज दे ऑल्सो अप होल्ड वेरियस कैपिटलिस्ट मोटिवस हम जैसे जैसे देखते हैं कि जितनी भी अंसेलरी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इन सब का बेसिक परपज़ क्या है किसी भी जगह के पोलिटिकल ऑर्डर को मेनटेन करना लेकिन वो सोसाइटीज़ जहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशन का रोल लिमिटेड होगा इन ऑर्गेनाइजेशंस की इम्पोर्टेंस कम होगी वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क एक डिफिकल्ट जॉब होगी बिकॉज अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिज़ पॉलिटिकल ऑर्डर एंड हिज़ पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ टू बेसिक एलिमेंट्स पोलिटिकल रूलर्स एंड द स्टेट मशीनरी अब पॉलिटिकल रूलर जो है वो कौन है वो जो किसी ख़ास ग्रुप को इंटरेस्ट के ग्रुप के इंटरेस्ट को डिफेंड कर रहे हैं या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को और जो स्टेट मशीनरी है यानी पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो किसके साथ अफिलटिड है वो रूलर्स uh, के साथ अफिलटिड है और रूलर पर डिपेंड करता है कि वो स्टेट मशीनरी को किस पर्पल के पर्पस के लिए यूज़ करे या उनको कैसे रन करें